हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। तो चलिए हम लोग आज मैप देखेंगे। मैप से पहले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है रेड मार्किंग से वो देख लेते हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना आपको। सबसे लॉन्गेस्ट लंबा टर्ट जो बनाता है देखिएगा तो चिली बनाएगा। सबसे बड़ा टर्ट जो होता है बिगेस्ट में अगर बोलेगा तो कनाडा, लॉन्गेस्ट बोलेगा तो चिली, ऐसे कनाडा हो जाएगा। फिजी आइलैंड जो होता है पैसिफिक एंट्री गेट बोलते हैं, पैसिफिक में एंट्री करना है तो फिजी आइलैंड से करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो होता है मेरिनो सीप यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे लंबी जो होता है आपको एंडीज पर्वत होता है, ठीक है ना, एकानगुआ अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। और सेकंड लंबी रॉकी पर्वत है जो कि इसकी चोटी जो है एल्बर्ट है। और अलास्का माउंटेन जो है उसकी जो पीक है ना उसको डेनाली बोलते हैं, पहले मैकनले था। सी जो होता है चारों तरफ से पानी, मतलब सी क्या होता है चारों तरफ से पानी है, और झील वगैरह चारों तरफ से पानी नहीं होता है इसमें एक्चुअली। और रसिया वगैरह जो होता है इसमें यूराल पर्वत देखने को मिलेगा। सबसे लंबी ट्रेन जो होता है एक्चुअली व्लादिवोस्टोक से लेके जो पीटर्सबर्ग तक जाता है, ट्रेन साइबेरियन बोलते हैं, रसिया में है। बाकी यहाँ पे देखिए थ्रेस जो होता है 3% रहता है, अनातोलिया में एशिया माइनर बोलते हैं, 97% इधर का हो जाएगा एरिया। सबसे सूखा जगह जो होता है अफ्रीका है चिली में। और यहाँ पे देखिए फिलीपींस जो होता है ऐसे राइस रिसर्च सेंटर जो होता है ADB फिलीपींस में। और इंडिया में कटक है ऐसे, ठीक है, कटक का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ देख लीजिएगा, CUTT होगा, उड़ीसा में कटक, ठीक है, CUTT के। तो राइस रिसर्च सेंटर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्चुअली फिलीपींस हो गया यहाँ। और देखिए मरमूस पोर्ट जो है एक्चुअली नॉर्वे में देखने को मिलेगा। और मानसरोवर झील जो होता है एक्चुअली सिंधु वहाँ से निकलने वाला जो है सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। और नोबेल पीस प्राइज जो होता है ओस्ले जो है ओस्लो नॉर्वे में ओस्ले जगह वहाँ से दिया जाता है। इंडोनेशिया में सुमात्रा आइलैंड है जो कि अधिक यहाँ से वोल्केनो आता है, जिप्सम वगैरह को मिलेगा। और जावा वगैरह में घनी आबादी होता है, बाली पे है एक्चुअली, बाली कहाँ, जावा पे। और मलक्का स्ट्रेट जो एक्चुअली मलेशिया एंड सिंगापुर को कनेक्ट करता है या अलग करता है बोल सकते हैं। और कंबोडिया जो होता है अंकुर कुमार का टेम्पल कंबोडिया में है। और मेकांग रिवर जो होता है एक्चुअली म्यांमार लाओस और थाईलैंड इसका विवाद चलता है, और लेकिन ये किसके पास सारा चला जाता है, कंबोडिया के पास चला जाता है। विवाद कहाँ से, यहाँ से। ओमान जो होता है वहाँ पे डुका आइलैंड है ओमान में। और कैस्पियन सी जो होता है समुद्र नहीं है एक्चुअली, झील है ये। और स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, कैकास जो कंट्री है कॉकस कंट्री, और ये जो होता है जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान। विटकन सिटी जो है सबसे छोटा कंट्री है विटकन सिटी। और मिडिल ईस्ट में 17 कंट्री है और गल्फ में 8 कंट्री है। और यहाँ देखिए आप पेटेंगा सी जो है ना चितगांव बोलते हैं, चितगांव पोर्ट, ये जो है बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, याद रखना आपको। न्यू मोरे आइलैंड हो गया या तीन बीघा कॉरिडोर हो गया, टिस्टा रिवर हो गया, या बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल का विवाद है आपस में। इरावती नदी जो होता है और सालवी नदी जो होता है, और ये जो है म्यांमार में है एक्चुअली, ठीक है, ये म्यांमार में बुद्धा बहुत फेमस होते हैं, पहले इरावती है तब इधर सालवीन होता है। और शान जो प्लेटू है वो राइस के लिए जाना जाता है। और सिटवे पोर्ट भी सब म्यांमार में, ठीक है, ये यहाँ म्यांमार में है। और अकाम पर्वत भी जो है वो भी म्यांमार में आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है सेपरेट करता है इंडिया और म्यांमार को एक्चुअली, और गल्फ कंट्री। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना जो मैप में जो निकल सकता था इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ के हम एक बार बता दिए हैं, अच्छे से याद रखना आपको। बाकी जो मेन है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे हाईलाइटेड किया होगा उसको हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, हम आपको एक बार गो थ्रू करवा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे टोराइड जोन बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री से 27.5 डिग्री मैंने ऊपर का से लेके नॉर्थ से साउथ के बीच का जो एरिया होता है उसको ट्रॉयड बोलते हैं, ऊपर वाला आर्कटिक हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, ये सब आप जान रहे हैं। बाकी चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है ना, यहाँ पे वही मेन मकसद है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट देखिएगा ना, तो एशिया में ये एशिया सबसे बड़ा हो गया इसमें, और ठीक है, और फिर अफ्रीका वगैरह आता है। नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट जो होता है किसका है, ये ट्रॉपिक ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया, 8 हो गया। तो हाँ मतलब नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट बोल रहा है ना भाई, तो एशिया सबसे बड़ा होता है, फिर अफ्रीका होता है, यहाँ पे ब्लैक लोग पाए जाते हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, वाइट लोग पाए जाते हैं, अर्थ क्योंकि नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, यूरोप होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है सबसे स्मॉल जिनट, या दुबा हुआ इसको नहीं माना जाता दिस डेट। और साउथ अमेरिका में स्नेक वगैरह बर्ड्स वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये ऑस्ट्रेलिया में नो वोल्केनो, एशिया सबसे बड़ा होता है, और अंटार्कटिका नो अर्थ क्यूब, ठीक है, यही तीन चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ है। तो जो हाईलाइटेड किया हुआ ना उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया जो होता है वोल्केनो एक भी ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं आता। और पैसिफिक ओशियन जो होता है सबसे बड़ा होता है, ट्रंगुलर शेप है, और अटलांटिक एस शेप में होता है, इंडियन ओशियन जो होता है आधा शेप में होता है, आर्कटिक ओशियन छिपा हुआ है, अंटार्कटिका जो होता है मतलब एक्चुअली माना नहीं जाता लेकिन लोग मान लेते हैं। यहाँ देखिए सार्क में जो होता है इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, टोटल 8 होता है इसमें कंट्री। और एशियान में 10 कंट्री होता है, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में,
और इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए पूरा कंट्री अगर नाम देखना है तो मालदीव्स वगैरह हो गया इसमें, और श्रीलंका हो गया, और इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 कंट्री हो गया। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए यहाँ पे जो आपको एशियान बोला गया ना, सार का फुल फॉर्म देख सकते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, छोटा छोटा एग्जाम में पूछ देगा। यहाँ पे ये चीज़ आपका हो गया, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका शॉर्ट आउट हो गया। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए आप पार्ट एलिफंटा जो पास होता है, महाबली गंगा जो है, हबन पोर्ट जो है कहाँ है, श्रीलंका में है, ठीक है। लिबरेशन लिबरेशन टाइगर ऑफ द तमिल एरम जो तो बोलते हैं LWTE, तो इस तरह से ये हो गया आपका श्रीलंका का पार्ट हो गया। यहाँ पे आप चलिए एशियान का फुल फॉर्म देख लीजिए, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशिया नेशंस हो गया। और इसका कंट्री देख लीजिए आप, कंट्री में जैसे म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा, फ्रेंच फ्रांस हो जाएगा, और फ्रांस ईस्ट इंडिया। यहाँ पे देखिए इसमें 3 देश आता है एक्चुअली, लाओस आ जाता है, कंबोडिया, वियतनाम, फ्रांस, वो फ्रांस नहीं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका मलेशिया आ जाएगा, सिंगापुर आ जाएगा, बुरनई भी आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है। इस तरह से आपका पूरा 10 हो गया। और आगे चलते हैं, यहाँ देखिए पाकिस्तान में जो होता है आपका गवादर पोर्ट है, जो कि CPEC रोड भी यहीं से होकर जाता है। चाबहार पोर्ट जो है ईरान में है, और सलमा डैम जो है अफगानिस्तान में। याद रखना ये सारे पॉइंट, बाकी इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो ऊपर में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए गोल्डन ट्रायंगल जो होता है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से बनाता है। भूटान जो है ना लैंड ऑफ थंडर बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं, और या डोकलम जो है यहीं है, साकटेंग जो है यहीं है, डोकलम जगह है यहीं है, ठीक है। और विवाद चलता है इंडिया का चाइना के साथ, तो ये भूटान में है, ठीक है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे इस तरह से चीज़ें हो गया, और यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है आपका। फिर यहाँ चलते हैं आगे, तो जहाँ पे मार्किंग है उसी को देखना है, बाकी सारा नहीं देखना है, मतलब वो सारा वहाँ से निकाल कर लिखा हुआ है, बाकी आपको देखना है तो ठीक है आप देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। कम टाइम के लिए ना, टाइम भी कम लगना चाहिए, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकाल लेना है, डेट इज़ आवर मकसद, डेट इज़ आवर मोटो है। डिड यू गेट माई पॉइंट ब्रो, या वट एवर यू आर, आई डोंट नो हु इज, हु इज़ गोइंग टू बी वॉच दिस वीडियो, ओके ऑल राइट, नो यू कैन सी इट, दिस इज़ वेरी फास्टली आई एम गोइंग टू मूव इट, जस्ट वेट अ मिनट, इट इज़ नॉट लाइक कि यू हैव टू बी, जैसे काका में कौन कौन आता है, तो बेसिकली आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन इन द स्टार्टिंग ना, सो आई थिंक सो कि देर इज नो नीड टू मच मोर। इफ इट इज नीड देन डोंट, मतलब फॉलो दिस वन, फॉलो स्टैंडर्ड बुक, फॉलो द एटलस, दिस इज ओनली डैट कि आई हैव मेड ना नोट्स, डैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम दिस, कि या वट एवर इट इज़ टू बी इन साइड देन जस्ट कीपिंग इट ऑन द वन प्लेस, डैट कैन गो, क्या कर सकता है वो, मतलब इजली कैन कम समय में ज़्यादा आउटपुट वाला सीन, ठीक है। इसलिए अब इसमें कुछ भी नहीं है आई थिंक सो, चलिए हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये देखने का भी मतलब नहीं है, मैं ऐसे ही फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। नाउ आगे क्या आता है इसमें देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसको टच कर लूँगा। ये इस तरह से हो गया, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एनी थिंग। चलिए अब आइए, तो माउंटेन वगैरह अगर आपको देखना है तो यहाँ देख सकते हैं, जो था इम्पोर्टेंट मैंने कवर कर लिया। यहाँ देखिए यहाँ से आ जाता है आपका ड्रेगन्सबर्ग माउंटेन जो होता है, वो किलिमंजारो पीक जो होता है, ड्रेगन्सबर्ग माउंटेन का ही किलिमंजारो पीक है सबसे ऊंचा तंजानिया में एक्चुअली। और पामीर का पठार जो होता है ये हो गया, हिमालय आया इधर से, कुनलून आया इधर से, और इधर से हिंदकुश आया, कुनलून एंड तानसेन ऊपर से, और इधर से हिंदकुश, तीनों जब मिलता है ना तो पामीर का पठार बनता है। साउथ आल्प्स माउंटेन कहाँ है, ये न्यूजीलैंड में, ठीक है, माउंट कुक भी उधर ही है न्यूजीलैंड। और यहाँ पे फोयान जो है विंड है, वो एक्चुअली हॉट विंड है, अंगूर के लिए फेमस है, स्विट्जरलैंड में बहेगा। और स्विट्जरलैंड में आपका अल्प्स माउंटेन जो है वहीं देखने को मिलता है, माउंट ब्लांक चोटी यहीं है। और जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है, और यहाँ पे ये क्या होता है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है कोयला के लिए, और नॉर्वे जो होता है स्कैंडियन माउंटेन है। एटलस जो होता है पर्वत जो होता है अल्जीरिया में है एक्चुअली, और यूराल पर्वत जो होता है रशिया है, और हिंदकुश जो होता है पाकिस्तान वगैरह एरिया में आपको देखने को मिलता है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, जो कि ईस्ट में होता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल जो होता है, वेस्ट बंगाल जो होता है वहाँ काल बैसाखी देखने को मिलेगा, काल बैसाखी वगैरह नॉर्थ वेस्टर बोलते हैं इंडिया में ही है ना, वो अधूल भरी आंधी वगैरह आपको पंजाब वगैरह में, कर्नाटक चेरी ब्लॉसम होता है यहाँ पे, और हॉट USA वगैरह चिनुक वगैरह, हॉट जैसे USA में जो होता है चिनुक एयर भरता है ना, हॉट है ये एक्चुअली। और पेरियारी जो होता है USA में घास के लिए है ये, इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए सिरोकोको जो होता है ना ब्लड ड्रेन के लिए जाना जाता है, इटली में होता है ये विंड है एक्चुअली, और कैसा विंड है, हॉट विंड है, ठीक है। और सिरोकोसे से हमटा, ये सिरोको से क्या होता है, हरमंटन और संभाल और सीमूम बना है एक्चुअली, सीमूम पेनसुला अरब तरफ आपको देखने को मिलता है, और हरमंटन डॉक्टर विंड बोलते हैं, और संभाल इराक वगैरह एरिया में देखने को मिलेगा।
और इस तरह से हो गया खामीसीन जो है ना वो इजिप्ट में, और यामो जो होता है जापान में, और ये सब बिंड है, और हबूब जो है सूडान में, और ये देखिए सांटा बिंड जो होता है, सांटा आना बिंड जो है कैलिफोर्निया वगैरह में, और जोंडा जो होता है अर्जेंटीना वगैरह में देखने को मिलता है। कोल्ड बिंड में देखिए ये सब कोल्ड बिंड है, पम्पीरो पम्पीरो बिंड जो है ये कहाँ है, पम्पीरो वगैरह जो होता है कोल्ड है ब्राज़ील में देखने को मिलता है, और मिस्ट्रल जो होता है सब कोल्ड है, स्पेन में मिलेगा, बोरा इटली में मिलता है, विलजर्ड रसिया में देखने को मिलेगा। और इस तरह से आपका कंप्लीट होता है, ये ओशियन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आर्कटिक है, आर्कटिक में क्या होता है लैपटॉप सी या चुकू चुकी सी, ये सब आर्कटिक ओशियन में देखने को मिलता है। उसके बाद एनीथिंग इन साइड दिस आई थिंक सो पैसिफिक ओशियन में देख लीजिए आपका अरूफा सी हो गया, या तासमान सी, या जावा सी, या सेल्बे सी, ये सब पैसिफिक ओशियन में है। और यहाँ देखिए अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में आपका डेविस सी, वेडल सी, ये सब अंटार्कटिका ओशियन में देखने को मिलता है। साइक्लोन में क्या होता है बाहर से अंदर हवा आता है, एक्चुअली इस तरह से होता है, देखिए हॉट हॉट होता है, लो प्रेशर होता है, और बाहर से फिर क्या होता है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ना, तो बाहर से अंदर हवा मूव करेगा और इस तरह से बनता है, देखिए इनवर्ड सेंटर एयर। और यहाँ पे बेगोलो फिलीपींस से बहता है, इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, और इस तरह से देख सकते हैं आप साइक्लोन में एरिया भी सेफ होता है, साइक्लोन दिस टी स्केल से मेजर करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन का डायरेक्शन होता है, फिर आल का नियम बताता है, और सूडान फॉल जो है सडन फॉल अगर होता है ना मर करेगा तो स्टॉर्म आ जाता है, उसी का सिग्नल होता है ये। और नरगिस साइक्लोन जो होता है म्यांमार वगैरह में आपको देखने को मिलता है, और नीलम वगैरह बांग्लादेश से मिलेगा, ट्रोएंडो जो होता है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, या अमेरिका में सॉरी यूएसए में कैरिबियन सी में देखने को मिलता है, हुरिकेन्स वगैरह भी आपका यूएसए कैम्बरियन सागर में देखने को मिलता है, टिफोन वगैरह चाइना में मिलेगा, विली विली ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, और भी स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी और भी अगर देखना है इसमें तो आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं बता दिया, एंटी साइक्लोन जो होता है उसमें क्या होता है मौसम साफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इन्वायरमेंट अच्छा करता है एक्चुअली। और बाली और लंबोक वाला जो है ना, बाली एंड लंबोक इंडोनेशिया में, एक्चुअली लंबोक का स्टेट वहीं पे है, या जावा सी इंडोनेशिया के बीच में बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए बाकी और देखना तो आप पढ़ सकते हैं, ये सब आप ऑलरेडी कवर किया हुआ, ज्योग्राफी जो पढ़ाए होंगे ना ये शायद नहीं पढ़ाए हैं तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है, घटना चक्र का ज्योग्राफी। अब यहाँ देखिए वही सब चीज़ ये लिखा हुआ ऊपर में जो लिखा हुआ है, यहाँ भी देखिए कि ये मिनिकॉय जो है मालदीव से है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो एंगल बनेगा 9 डिग्री चैनल बनता है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस होता है तो यहाँ इसी के बीच में इंग्लिश चैनल और डोबर स्ट्रेट यहीं पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और पनामा जो होता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में देखने को मिलेगा, और करह जो है वो म्यांमार और थाईलैंड के बीच में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आप जिब्राल्टर वगैरह जो है यूरोप और अफ्रीका को एक्चुअली अलग करता है, और पाक बे जो होता है वो गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल में आपका, और लुजोन जो होता है आपको ताइवान और फिलीपींस को करता है, सुसीम जो होता है आपको जापान और साउथ कोरिया को करता है, सुगारो जो होता है स्ट्रेट होंसू और होकाइडो वाला सीन आ जाता है, हारमुज जो होता है ईरान और रोमान को अलग करता है, उसी के बीच है मतलब। और यहाँ देखिए ये रेड कलर का एल्गी जो होता है वो रेड सी में मिलता है, जिसको ट्राइकोडेसियम इरिथियम बोलते हैं। इस तरह से हो गया आपका कंप्लीट ये। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं बाब अल मंडेब जो होता है रेड सी एंड इंडियन ओशियन के बीच में देखने को मिलेगा, और बॉस्फोरस जो होता है ये ब्लैक सी एंड मरमरा सी के बीच में मिलता है, जोड़ता है उसी को, एशिया एंड यूरोप को जोड़ता है, अलग करता है जो ये बोल सकते हैं। 97% एंथोलिया एशिया माइनर होता है, 3%, ठीक है, यूरोप में थेंस होता है। और यहाँ पे मैनमेड में सबसे बिजी जो होता है स्वेज कैनाल है, ये मैनमेड एक्चुअली समझ में आया, और फ्रांस की कंपनी जो थी वो बनाया था मैनमेड सबसे बड़ा यही स्वेज कैनाल एक्चुअली। और यहाँ पे देखिए कीन नहर जो है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त है जर्मनी में है ये, और लॉक सिस्टम पे काम करता है पैनामा का नाम। 10 डिग्री चैनल जो होता है अंडमान एंड निकोबार के बीच में बनता है, और डोवर स्टेट आपको बताए थे, ठीक है, इंग्लिश चैनल से नॉर्थ सी। और इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे ओशियन करंट देख लीजिए, अर्थ रोटेशंस। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में ओशियन करंट वगैरह बताते हैं, थोड़ा सा और होगा उसको, आई थिंक आधा घंटा नहीं 15 मिनट और लगेगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी होगा तो विद इन 45 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा मैप आपका, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर मोटिव इतना है कि मतलब समेट के एक जगह ला के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लो, कम समय आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है, बस ये मोटिव है।